सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टच चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक औषधियाँ और जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गोंद कतीरा के बारे में, उसकी क्वालिटी की पहचान कराएंगे, उसके बारे में, उसके गुणों के बारे में बताएंगे और उसके किन किन नामों से उसको जाना जाता है वह बताएंगे, और इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ये गोंद कतीरा है, इसको अन्य नामों से भी जाना जाता है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी जो क्वालिटी है वो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी मिलने वाली है। ये बाज़ार में कई तरीके का उपलब्ध है, कुछ लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती और वो सभी गोंदों को एक समान मानते हैं। अगर कोई नुस्खे में आपको गोंद कतीरा लिखा हुआ है तो उसको जो भी गोंद उनके पास होता है वो डाल देते हैं, उसकी पहचान उनको नहीं होती। इसके गुणों के बारे में बताऊंगा कि इसका जो स्वभाव होता है वो कैसा है, किस रोग में इसको प्रयोग किया जाता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट टाइप्स ये आप देख सकते हैं। इसमें कोई तुनका वगैरह नहीं है, कोई कुबाड़ नहीं है, कोई लकड़ी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। तो चलिए अब जान लेते हैं इसको किन किन नामों से जानते हैं। दोस्तों, इसको जो है इसका प्रसिद्ध नाम कतीरा ही है, और कतीरे के पेड़ से कतीरे के गोंद के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको कशीरा के नाम से भी जानते हैं, गोंद कतात के नाम से जानते हैं, और तिब्बत यूनानी में इसको तरगा कशाद के नाम से जानते हैं, लतीनी में इसको सेट्रक्यूलिसिया के नाम से जानते हैं यूरिनस, और अंग्रेजी में इसको ट्रेग एक्नथ के नाम से जानते हैं। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपने अभी तक जो गोंद कतीरा प्रयोग किया है, क्या वह ऐसा ही आपने प्रयोग किया है। ये तो थे इसके नामों की जानकारी। अगर इसकी पहचान की बात करें तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही, इसमें जो एक टुकड़े हैं ये छोटे बड़े कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसको पहचान करते समय इसमें जो है अजीब से प्रकार की एक गंध होती है, ये एक इसकी पहचान होती है। और इसमें आप जैसा देखेंगे तो आप खुद से पहचान कर पाएंगे, इसका जो गोंद का जो कलर होता है वो बाकी गोंदों से अलग होता है। तो इसका जो गोंद, ये कतीरा का गोंद का जो पेड़ होता है, ये एक प्रकार का वृक्ष होता है जो कि चीरा देने से इससे ये गोंद निकलने लगता है और उसको इकट्ठा किया जाता है। इसके वृक्ष अधिकतर तुर्किस्तान में पाए जाते हैं, ईरान या यूनान और इराक में पाए जाते हैं। इसके अलावा जब इन वृक्षों में चीरा दिया जाता है तो इसमें से जो गोंद नीचे टपकता रहता है वह कुछ दिनों बाद जम जाता है, और जमने के बाद उसको फिर निकाल लिया जाता है। इसका वृक्ष कांटेदार होता है, सफ़ेद रंग का होता है और बाहर से हल्का होता है, डालीदार, और स्वाद में ये थोड़ा सा आप फीका इसका स्वाद होता है, जैसे ना तो आप इसको मीठा कह सकते हैं ना इसको फीका कह सकते हैं, मतलब एक बीच से का कुछ स्वाद होता है। और तो खाने में अगर आप इसको खाते हैं तो ये थोड़ा बकबका सा भी होता है, कुछ जो मुख का स्वाद है वो थोड़ा अजीब सा कर देता है। इसको खाया जाता है जैसे सुबह अगर शाम को भिगोकर खाते हैं, आगे मैं आपको प्रयोग बताऊंगा, तो इसमें खाने का जो स्वाद होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, इसमें मिश्री वगैरह मिलाकर तब खाया जाता है। तो कीकर के गोंद की भांति ही यह भी कई प्रकार की औषधियों में प्रयोग किया जाता है और बहुत सारे रोगों में प्रयोग किया जाता है। कतीरा की विशेषता यह है कि जो इसका जो पानी होता है, पानी में हल करने से यह फूल जाता है, और इसका जो एक खीर टाइप इस तरीके से बहुत ही, आप पानी में भिगोकर जब इसको खाते हैं या पानी में भिगोकर आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये एक जितना ये है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, ये इसका एक फैक्ट होता है। और इसके अलावा इसके अगर मात्रा की बात करें तो इसको 1 से 3 ग्राम तक आयु और जो है रोग के अनुसार अलग अलग लिया जाता है। इसको नुस्खे में मिलाकर भी इसको कई जगह प्रयोग किया जाता है।
इसके अगर गुणों की बात करें तो यह जो स्वभाव में ठंडा होता है और इसका कफ निकलने और बहते रक्त को रोकने के लिए इसका काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। यह तिब्बत यूनानी के अनुसार यह जो औषधि है, ये जो गोंद कतीरा है, ये नेत्र रोगों में काम करता है, खांसी और फेफड़ों के घावों में इसका लाभ होता है। और अगर इसको बकरी के दूध के साथ 1 से 3 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कराया जाए तो ये जो है प्रत्येक प्रकार के रक्त बहते हुए को रोकने में बहुत ही अच्छे औषधि साबित होती है। चाहे वो रक्त जो लेडीज को होता है महीने के विशेष दिनों में वो हो, या फिर नक्शीर हो, या फिर और किसी भी तरह का शरीर से अगर रक्त निकलता है तो ये उसको रोकने के लिए काम आता है। इसका एक प्रयोग ये भी है, जब आपके होठ या हाथ पांव फट जाए तो इसे मक्खन या मलाई में मिलाकर होठों पर लगाने से, जो है हाथ पांव पर इसको लगाने से, इससे जो फटे हुए होठ होते हैं वह ठीक हो जाते हैं और त्वचा पर भी ये खुश्की और खुरदरेपन को दूर करती है। इसके दूसरे प्रयोगों की बात करें तो इसको अतिसार में प्रयोग किया जाता है। जब पतले अतिसार बार बार या दस्त इस तरीके से बार बार हो रहे हो तो रक्त अतिसार हो, या फिर जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये सभी तरह के शरीर से खून निकलने को बंद करता है, तो चाहे वो दस्तों में खून आना हो या फिर अतिसार ऐसे ही हो, तो दोनों में ये काम करता है। गोंद कतीरा के चूर्ण को 2 से 3 ग्राम पानी में मिलाकर या फिर दही के साथ मिलाकर इसको दे सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसके और प्रयोगों की बात करें तो ये मूत्र की जलन को दूर करता है। गोंद कतीरा 2 ग्राम और चीनी 2 ग्राम जो है, इन दोनों को चूर्ण बनाकर ऊपर से एक ताज़ा पानी पी लीजिए, इससे मूत्र की जलन बंद हो जाती है। ये ठंडा स्वभाव में होता है, इसका प्रयोग जो है स्वपन दोष रोगों में भी इसका प्रयोग किया जाता है और वीर्य की जो कमजोरी होती है उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग एक ये भी है कि ये शीघ्र पतन रोगों के लिए भी प्रयोग किया जाता है। गोंद कतीरा के जो प्रसिद्ध यूनानी योग हैं वे मैं आगे आपको कुछ शेयर करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। आज मैं आपको कुछ नाम बताता हूं जो कि यूनानी में बहुत ही प्रसिद्ध यूनानी योग हैं, जो बाजार में जो है बने बनाए उपलब्ध हैं। इसमें है कुर्श तवासीर मुलयन के नाम से ये बाजार में उपलब्ध होता है, ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा लोक नजली के नाम से है, उसमें भी गोंद कतीरा का प्रयोग किया जाता है। ये जो है इनके बारे में अलग से वीडियो आएगी, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए और जान लेते हैं इसके और दूसरे जो योगों के बारे में। एक आता है लौंग खांसी के नाम से, इसका भी प्रयोग इसमें नज़ला जुकाम में किया जाता है, उसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगी। इसके और अगर फायदे की बात करें तो इसको आप लगभग जितने भी शीतल स्वभाव के जो भी रोगी होते हैं उसको तो इसका प्रयोग नहीं करना होता है, लेकिन जिनको लगता है कि शरीर में गर्मी बनी हुई है या फिर पेट में गर्मी बनी हुई है तो ऐसी स्थिति में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको प्रयोग करने का जो तरीका होता है वो आप 2-3 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो पहला प्रयोग है, शाम को इसको आपको भिगो देना है और सुबह उसको जो है पानी में, इसको जब भिगोएंगे तो ये सुबह फूल कर जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और उसमें थोड़ा मिश्री मिलाकर आप खा लीजिए तो ये आपके स्वपन दोष हो, चाहे जो है वीर्य की कमजोरी हो या वीर्य की उष्णता हो, ये उसको कम करता है और स्वपन दोष को नष्ट करता है। इसके अलावा शीघ्र पतन रोगों में काम करता है और साथ ही साथ पेट के जो गर्मी होती है उसको भी ये शांत करता है। इसका लेने का एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप इसको चूर्ण बना लीजिए, चूर्ण बनाकर फंकी लेकर तब ऊपर से पानी पी लीजिए या दूध पी लीजिए, ये एक तरीका ये होता है। दूसरा एक तरीका ये है कि आप इसको नुस्खे में प्रयोग करें, एक कई सारी औषधियों का एक अनुपान बनाकर, एक योग बनाकर उसे जो है आप ले सकते हैं, वो भी चूर्ण फॉर्म में ही
आपको लेना होता है। माजून चटनी में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ये अलग अलग तरीके होते हैं जो कि आप आपके जो वैद होते हैं, आपके डॉक्टर होते हैं, वे अलग अलग आपके रोग के हिसाब से इसको तय करते हैं। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी और भी अच्छी अच्छी जानकारी आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए।